पिछले कुछ सालों में निवई की ये मंडी यहाँ के आसपास के इलाकों के किसानों का पसंदीदा ठिकाना बनकर उभरी है। इसका मुख्य कारण ये है कि एक ओर तो किसानों में ये भरोसा जगा है कि वो कितना भी माल यहाँ लेकर आएं उसे सही भाव पर खरीद लिया जाएगा, और दूसरी ओर उन्हें मिलने वाला तत्काल नकद भुगतान। इन दोनों ने मिलकर यहाँ ऐसे कई किसानों को भी आने को प्रेरित किया है जो अब तक यहाँ से दूर थे। निवई से महज पौने 200 किलोमीटर दूर मौजूद कोटा की गिनती राजस्थान की सबसे बड़ी मंडियों में होती है। कोटा मंडी में कारोबार का भरोसा कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ गुजरात तक के किसान अपना माल ले आते हैं। लेकिन कोटा मंडी के बेहद नजदीक के देवली बूंदी के सरसों किसानों की मंजिल कोटा के बदले निवई मंडी ही होती है। इसके अलावा लालसोट, सवाई माधोपुर और टोंक के किसान भी अपना माल लेकर सीधे निवई ही चले आते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है निवई में किसानों को होने वाला नकद भुगतान। हमारे क्या है कि शुरू से मंडी में जो काम करते आए ना अब तक, तो किसानों का पेमेंट है, कैश पेमेंट होता है सबका, और आज करीबन 30 साल हो गए, 30 साल से यह मंडी में माल आने का एकमात्र कारण यही है कि यहाँ पेमेंट बकाया नहीं था। चाहे 50,000 बोरी में आ जाए ना तो पेमेंट लेके जाता है। अब तो क्या है, पहले तो कुछ अच्छी सुविधा भी नहीं थी, और अब बैंकों की सुविधा बहुत हो गई ना, इसीलिए बैंकों का हर एक की सबकी लिमिट बन गई, अब तो कोई परेशान नहीं है पेमेंट की। जब जेब में नकदी तुरंत आ रही हो तो भला कोई क्यों कोटा मंडी जाएगा, जहां किसान को उपज की कीमत मिलने में करीब हफ्ते भर का समय तो लग ही जाता है, जबकि निवई मंडी में सरसों किसानों की उपज की कीमत तय हुई और कारोबारी 2 घंटे में नकद भुगतान कर देता है। यह किसान के लिए बहुत बड़ी सहूलियत है, क्योंकि इससे न केवल उसकी परेशानी कम हो जाती है बल्कि उसका खर्च भी बचता है। मंडी में माल लेके आते हैं तो हमारा कैश पेमेंट हो जाता है और हम घर पे टाइम से लौट जाते हैं। वैसे तो निवई में नकद भुगतान की परंपरा वर्षों से है, लेकिन करीब 3 साल पहले तक किसानों के लिए बोली में बेहतर भाव हासिल करना एक बड़ी चुनौती थी। अगर किसान की उपज अच्छी हो जाए और वो ज्यादा माल लेकर मंडी आ जाए तो उसे अच्छा भाव नहीं मिल पाता था। उसकी वजह थी कारोबारियों के हाथ में सौदा करने की ताकत। सारा माल खरीदने की शर्त पर व्यापारी एक तरफा मोल भाव कर लेता था और किसान को कम भाव पर सरसों बेचने को मजबूर कर देता था। अब अगर मिलों की क्षमता पूरी हो गई हो तो भी कारोबारी आसानी से उसे खरीद कर NCDEX पर डिलीवरी लगा देते हैं। इसके कारण किसान इस बारे में निश्चिंत हो चुका है कि चाहे वो कितना भी माल लेकर आए उसे एक जैसा ही भाव मिलेगा। ट्रेडर्स की कैपेसिटी में 4 गुना फर्क पड़ा है और किसान को तुरंत मतलब माल बेचने में दिक्कत नहीं आती। पहले जब ऑनलाइन नहीं था किसान को बड़ा जोर आता था और खरीदार बहुत कम मिल पाता था, कई बार 2-2 दिन में ऑक्शन होता था। ट्रेडर्स आने से कितना आमदनी हो, चाहे 40,000 हो, चाहे 30,000 हो, चाहे 50,000 हो, पर वर्क पर डे पूरी सेल हो जाती है। बेसिकली कोड करते हैं हम, जो NCDEX होता है कमोडिटी, वहाँ से हम जितनी भी प्राइसिंग होती है वो वहीं से कोडिंग होती है, और उसी के अकॉर्डिंग हम मार्केट में डील सेलिंग और परचेसिंग वहीं से करते हैं। तो ये टोटल और ओवरऑल इसका परसेंटेज 90% होता है NCDEX कमोडिटी। आधुनिक तरीके से ऑनलाइन खरीद बिक्री से कारोबारियों के लिए भुगतान का जोखिम भी लगभग खत्म हो गया है। कारोबारी बताते हैं कि किसान जब अपना माल लेकर यहाँ बेचने आता है तो वो साथ में अगली फसल के आधार पर कर्ज भी मांगता है। छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को कोई भी कमीशन एजेंट 50,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज नहीं देता। ऐसे में व्यापारियों द्वारा किसान से खरीदी जाने वाली मात्रा खुद ब खुद सीमित हो जाती है। लेकिन एक्सचेंज पर डिलीवरी देने की सुविधा मिल जाने के कारण व्यापारी आराम से किसान की फसल खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका पैसा डूबने वाला नहीं। अपना ऑनलाइन जो व्यापार हुआ उससे हम कृषक लोगों को इतनी सुविधा है, जैसे अपना कैश डिस्काउंट है, लार्ज स्केल पे हम अपना उधारी है, हम बाहर माल देके और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं हम ऑनलाइन व्यापार पे। हमारे पर्सनल व्यापार पे कहीं भी हमारे को पेमेंट का धोखा लगता है, इस ऑनलाइन के व्यापार से हमें 1 लाख से लेकर 100 करोड़ तक का व्यापार भी करें तो हमें कोई हिचक और कोई धोखा नहीं लगता, इसलिए हमें ऑनलाइन व्यापार बहुत अच्छा लगता है। और निवई ऑनलाइन व्यापार का एनसी जो भी डिपो खुला उससे हमारी मंडी का विकास भी काफ़ी हुआ। जो 10,000 बोरी की आवक होती थी वो कम से कम हमारे 50,000 बोरी की आवक एक सीजन में डेली की डेली हो जाती है।
कारोबारियों और नौकरी पेशा लोगों की बहुलता वाले शहर में अगर कारोबारी का कारोबार 4 गुना तक बढ़ा है और हजारों नए नौकरीशुदा लोगों की आमद हुई है तो जाहिर है कि अर्थव्यवस्था की सबसे मूलभूत जरूरत बैंकिंग का भी यहाँ जबरदस्त विकास हुआ है। इस विकास की सबसे शानदार तस्वीर कमोडिटी प्लेज फाइनेंसिंग यानी फसल को गिरवी रखकर कर्ज देने के बैंकों के कारोबार में आई भारी तेजी से नजर आ जाती है। बैंकिंग फाइनेंस का सर हुआ था 21 मार्च 2006 को हुआ था, 4 करोड़ का फंडिंग हुआ था उसमें। उसके बाद में धीरे धीरे 2010 के अंदर 25 करोड़ तक पहुंच गया। फिर ऐसे ही चलते चलते वो व्यापारियों ने आगे बढ़ाते हुए 2016 तक आज 175 करोड़ का बिजनेस हो गया सर। हालांकि इस बढ़ते प्लेजिंग कारोबार की एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि किसान की इसमें ज्यादा भागीदारी है ही नहीं, या यूं कहें कि लगभग कोई भागीदारी नहीं है। इससे ऑफ सीजन में होने वाली ऊंची कीमतों का फायदा उपज पैदा करने वाले किसानों को न मिलकर हमेशा की तरह आर्थिक तौर पर मजबूत और स्टॉक कर रखने में सक्षम कारोबारियों को ही मिलता है। निवाई में पिछले 10 सालों में फसल के बदले दिए जाने वाले कर्ज में 40 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि इसका फायदा शायद ही कभी किसी किसान को हुआ हो। ऐसे में किसान हमेशा की तरह पीक सीजन में सबसे कम भाव पर अपनी फसल बेचने को मजबूर रहा है। इसलिए जरूरत है एक ऐसे सार्थक और सक्रिय नीतिगत हस्तक्षेप की ताकि निवाई में हुए बैंकिंग क्रांति का फायदा किसानों को भी मिल सके। निवाई से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।